Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hello traders, welcome back to my channel. जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था कि intraday trading होता क्या है, आज हम इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि swing trading basically होता क्या है, कितने तरीके से swing trading किया जा सकता है और कहां कहां हम लोग swing trading कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस, आज इस वीडियो पे भी हम लोग बात करेंगे ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जो कि पर्सनली मैं जो है चॉइस करता हूँ और मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग पे, और मैं सभी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहे हो तो इंट्राडे मत करो, सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि आप जो स्टॉक का मूव होता है उसको आप जान पाते हो, पहचान पाते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके जो है मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, आपने जहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया है क्या वो सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, आपने जहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको पहले श्योर होना चाहिए, उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक्निकल्स जो समझ के या फिर सीख के अगर आप डायरेक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग पे जाओगे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बाइंग प्रेशर होता है या फिर सेलिंग प्रेशर होता है, इसके वजह से आपका जो लेवल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो पे भी इस चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो वहाँ पे इंट्राडे करते हैं, जो टेक्निकल्स वहाँ पे फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि वो लेवल आपका बहुत ही ईजिली ब्रेक हो जाए। इसीलिए मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हो या फिर सीखना चाहते हो या फिर करना चाहते हो तो बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ। इस वीडियो के एंड पे हम लोग को देखेंगे कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे मैं अपना जो रिसर्च शेयर करता हूँ अपने ग्रुप मेंबर के साथ, वहाँ पे कितना एक्यूरेसी जाता है और हमें वहाँ पे कितना टारगेट देखने को मिलता है, कितना हम लोगों को जो है परसेंटेज रिटर्न मिलता है, वो भी सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग कंप्यूटर्स का स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या क्या चीज़ें होती है और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहाँ करेंगे और ये जो है रूल्स और रेगुलेशन जो है स्विंग ट्रेडिंग का क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। ओके, अभी हम लोग जो है कंप्यूटर का स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि देखिए कई लोग सोचते होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो लेकिन देखिए मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मुझे इसके बारे में जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है कि आप अगर मछली पकड़ने जा रहे हो तो छोटे छोटे मछलियों को आप पकड़ते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर आप जाते हो तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम लोग एक ही साथ बहुत बड़ा मछली पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो देखिए जब बिगिनर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो बेसिकली वो इंट्राडे जो है चूज़ करते हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि जो ब्रोकर होता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है, 5x 6x, तो इसी की तरह जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं हम जो कम पैसा होता है कम पैसे से हम लोग ज़्यादा माल उठा सकते हैं और हम लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो ये उनका गलत अप्रोच होता है। देखिए इंट्राडे उन लोगों के लिए होता है जो कि मार्केट में एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच चुके होते हैं और उनको पता है कि ये स्टॉक कहां से कहां मूव करेगा या फिर नहीं करेगा, वहां पे मुझे कितना क्वांटिटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उन लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हो, सीख रहे हो एक एक चीज़, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग ही करो। इनफैक्ट अगर आप सारी चीज़ें सीख भी जाते हो तो भी आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही रिस्क फ्री होता है। यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन आप इंट्राडे की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे मैंने आपके साथ ये चीज़ बताया कि कहीं से भी थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया या फिर सेलिंग प्रेशर आया तो वहाँ पे एसएल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको डेफिनेटली जो है स्विंग ट्रेडिंग को ही शिफ्ट कर देना चाहिए अगर आप इंट्राडे करने का सोच रहे हो। तो चलिए हम लोग जो है अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोगों ने कहाँ से कहाँ पकड़ा था, कौन सा स्टॉक पकड़ा था, एंट्री क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, कितना परसेंटेज हमें पकड़ने को मिला और कितने दिन पे हमें टारगेट देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको मैं स्लाइड पे लेके चलना चाहता हूँ और वहाँ पे आपके साथ मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आपको
चीज़ें क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हो, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, बड़े एक प्राइस होता है उस मूव को कैप्चर करना चाहते हो, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो इसको जो है पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग भी कहते हैं, जैसा आपका मन करे। तो मैं इसको एक स्विंग ट्रेडिंग का नाम ही दूंगा, तो आप भी इसको स्विंग ट्रेडिंग ही बोलिए, पोजिशनल ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग या अलग अलग टर्म जो है उसको जो बोलते हैं वो सेम ही होता है। अब जो इसका ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए अगर आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो एक पोजिशन ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये एक दिन का पोजिशन आप जो है जितना मन करे उतना लंबे समय तक का आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप वो कहां पे कर रहे हो, स्टॉक पे कर रहे हो या फ्यूचर्स में कर रहे हो या ऑप्शंस में कर रहे हो। जैसे कल के वीडियो पे मैंने आपको कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इसका ड्यूरेशन होता है वो एक महीने का होता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें, स्पेशली बैंक निफ्टी, निफ्टी ये सारे जो है वीकली पे ही एक्सपायर हो जाते हैं और मंथली पे भी एक्सपायर होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो। अगर आप स्टॉक पे कर रहे हो तो ये आपका जो है एक साल के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हो, दो साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो, आप जितना दिन चाहे इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, कुछ ट्रेडर्स इसको शॉर्ट टर्म की तरह भी देखते हैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलरली जो स्विंग होता है मैं उसको पकड़ने का बात कर रहा हूँ। तो ये एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हो गया। आई होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जो है कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और काफ़ी लोगों को ये डाउट आता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग का कोई एग्जैक्ट टाइम होता है या नहीं होता है। देखिए ये जो है नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स पे ही आपको जो है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मिलेगा, इसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं जो है 3:30 के बाद यानी कि 4 बजे मैं इसको ट्रेड इनिशिएट करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो इसका रेगुलर टाइमिंग होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे होते हैं 9:15 से लेके 3:15 तक के टाइम के अंदर में ही आपको जो है स्विंग ट्रेड लेना है और उसको होल्ड पे करना है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का टाइमिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग करें तो करें, कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोगों ने कल स्लाइड पे बात किया था कि स्विंग ट्रेडिंग में और जो स्टॉक में होता है वो डिफरेंस क्या है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग जो है इसमें भी हम लोग तीन तरीके से जो है ट्रेड करते हैं। सबसे पहले इक्विटी स्टॉक हो गया, फ्यूचर्स हो गया और ऑप्शंस हो गया। लेकिन इसके कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको आने वाले स्लाइड पे बताऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है अगर हम स्टॉक में कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं रिलायंस का स्टॉक हमने यहाँ पे बाय किया, तो हम इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, जितना चाहे हम उतना टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक कि हमारा टारगेट हिट ना हो जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि रिलायंस का स्टॉक जो है मैं इसको सेल करके होल्ड करूँगा वो भी स्टॉक में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ब्रोकर आपको अलाउ भी नहीं करता है। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करना चाहते हो स्टॉक पे तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप स्टॉक को पहले सिलेक्ट करो कि आप कौन से स्टॉक पे इस स्विंग ट्रेडिंग को करना चाहते हो। उसके बाद उस स्टॉक का जो चार्ट होता है उस पे एनालिसिस करो, जो भी आपने सीखा है कि कैसे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कैसे रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या कैंडल बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि स्टॉक में सिर्फ आप बाय करके रख सकते हो, यहाँ पे सेल करके नहीं रख सकते हो। अगर आप सेल करने का कोशिश करोगे तो वो आपका इंट्राडे में कहलाया जाएगा, वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो कि 9:15 AM को यहाँ पे रिलायंस को सेल करके रख देते हो 9:15 से, तो आपका 3:15 या फिर 3:30 बजे के आसपास ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन होता है वो काट देगा। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप स्टॉक पे काम कर रहे हो तो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें आप एंट्री डिसाइड करोगे, स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, टारगेट डिसाइड करोगे, उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड करोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक में आप क्वांटिटी खुद सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो।
उसके बाद ये मैंने लास्ट में लिखा है कि ये बहुत ही सेफ होता है बिगिनर्स लोगों के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग सीख रहे या फिर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये बात करते हैं कि फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ अब फॉलो करेंगे कि स्टॉक और जो इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसका फ्यूचर्स आपने सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब इसमें देखिए मेन चीज़ आ गया, अब इसमें आप देखो होल्ड पे ने वाइट कलर का लिखा है, तो इसमें होता क्या है कि फ्यूचर्स को आप बाय करके भी होल्ड कर सकते हो एक महीने के लिए, या फिर अगर आप बुलिश नहीं हो, बियरिश हो, तो आप यहाँ पे सेल करके भी इसको होल्ड कर सकते हो वन मंथ के लिए। क्योंकि फ्यूचर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे व्यू आपका क्लियर अगर है तो आप यहाँ पे जो है उसको बाय करके भी होल्ड कर सकते हो, सेल करके भी होल्ड रख सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आपने यहाँ पे मार्क किया, लेकिन जो इसका लॉट साइज़ होता है वो अगेन फिक्स होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका एंट्री पे वेट करना रहता है, जब आपको प्रॉपर एंट्री मिलता है आपने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद जो है आप यहाँ पे जो भी आपका टारगेट था वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। लेकिन जो है ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है और इसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सेल के होल्ड पे रखते हो तो हो सकता है कि वो एक अच्छा खासा आपको लॉस दे सकता है, अगर आप पे जो है मार्केट का व्यू अगर क्लियर नहीं है तो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सीई और पीई का इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए ये जो सीई पीई क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शंस की बात होती है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप सीई यानी कि मार्केट आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक का या फिर कोई भी बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स का आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे सीई को बाय करोगे। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे पीई को बाय करोगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो सीई और पीई। सीई क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है आप सीई को बाय करोगे, मार्केट जब नीचे जाता है तो आप पीई को बाय करोगे। तो ये जो बाय करने का काम होता है इसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक का चार्ट देखोगे ना कि ऑप्शन का चार्ट देखोगे। तो यहाँ पे आपको लॉट साइज जो है वो आपको फिक्स रहता है, आप इसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते जैसे आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलता है। अगेन मैं इसको ये भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या फिर स्टॉक में हो, ये सारी चीज़ें जो है रिस्की होता है जब तक कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, धन पे। तो देखिए ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है अकाउंट ओपन करके आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप चलते हैं और यहाँ पे जो है मैंने एक कॉल जो है यहाँ पे रिसर्च जो है शेयर किया था ग्रुप मेंबर के साथ, तो वो मैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए स्टॉक का जो नाम है ये है हिंद पेट्रो, और ये हिंद पेट्रो अगर हम देखेंगे तो ये फेब्रुअरी 17 को मैंने एनालिसिस दिया था और यहाँ पे मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, वरना आप यहाँ पे एडिटेड का ऑप्शन देख सकते थे, यहाँ पे एडिटेड का ऑप्शन दिखा था। तो यहाँ पे मैं एडिट कुछ नहीं किया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है। तो चलिए हम लोग जो है इसका चार्ट पे भी देख लेते हैं कि ये जो हिंद पेट्रो है और ये जो एनालिसिस है मैंने 17 को दिया था, हमें प्रॉपर एंट्री या टारगेट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए हिंद पेट्रो का जो है इसको बोलते हैं HPCL, जिसका स्टॉक का नाम होता है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, और मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे ही ऑलरेडी लेवल सारे मेंशन कर दिए थे, फेब्रुअरी 17 को ही मैंने इसका एनालिसिस दे दिया था ग्रुप पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 27 फेब्रुअरी को हमें प्रॉपर एंट्री मिला। देखिए यहाँ से प्राइस जो है नीचे आ रहा था धीरे 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 धीरे, उसके बाद जो है हमें 27 फेब्रुअरी को एंट्री मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 215.25 पे हमें एंट्री मिला, स्टॉप लॉस जो था 209.755 था, और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 226 का जो है 226.25 पे हमारा टारगेट तो सेट था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 231 जो मेरा तीसरा टारगेट था वो था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेज़र करके दिखाऊं कि हम लोग को जो है एंट्री जहाँ पे मिला और इसने जो है कितना हाई लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेगा 15.5
6% का जो है मूव आपको देखने को मिला, और ये 20 डेज लगा था इसको ट्रेड होने में। तो काफ़ी मतलब एक बोलते हैं ना कि बड़ी मछली को अगर आपको पकड़ना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ट्रेंड, देखिए यहाँ पे पूरा डाउन था, बट यही पॉइंट से जो मैंने आपको लेवल शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में 21.25 एग्जैक्टली उस लेवल से ही देखिए प्राइस कितना ऊपर गया। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि बेसिकली होता क्या, ये एक स्विंग को पकड़ना होता है कि यहाँ से यहाँ पे जो मूव होता है इसको मूव को कैप्चर करना होता है, तो ही जाके आप यहाँ पे जो है अच्छा ट्रेड बना पाते हो। तो यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वापस से लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने जो है इसका प्राइस अलर्ट भी सेट किया था। ये देखिए 24 तारीख को मुझे अलर्ट आया था, और यहाँ पे 217 का मैंने प्राइस अलर्ट सेट किया था ताकि थोड़ा सा एडवांस मुझे पता चले कि प्राइस जो है हमारा लेवल के आसपास आ रहा है। उसके बाद मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि इस चीज़ को कि आप यहाँ पे अपना प्राइस को सेट कर दीजिए कि यहाँ पे इस प्राइस पे मुझे बाय करना है। क्वांटिटी आपको डिसाइड करना था कि आपका कैपिटल के हिसाब से कितना क्वांटिटी चूज करना चाहोगे। तो ये देखिए मैंने एंट्री यहाँ पे ले लिया था, जिसमें आप देख सकते हो हिंद पेट्रो, और ये मैंने 214 पे यहाँ पे मैंने बाय किया था, यानी कि 215 के आसपास यहाँ पे मैंने बाय किया था, और हमारा जो है एंट्री हो गया था। एंट्री होने के बाद जो है हमें प्रॉपर टारगेट देखने को मिला, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है यहाँ पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग करूँगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो 5 मिनट वाला जो सिस्टम है उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं, ना कि स्विंग ट्रेडिंग। तो ये अगर आपको डाउट है तो मैंने इसमें लास्ट में जो है क्लियर कर दिया, जो कि मैं इसको ऐड करना भूल गया था। आई होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।